अगले कॉलर हैं सचिन जी, स्वागत है आपका। हेलो हेलो मैम, मैं भोपाल से बोल रहा हूँ, सचिन जी। सर बताइए, स्वागत है सर आपका। जी। मैम मैम, मुझे ये पूछना था, अभी अभी मैंने ये डिलीवरी बॉय देखे गया, गोंद सिया हमने मंगवाई थी, तो पापा के हमारे ऐसे जोड़ों में दर्द वगैरह, बैठने उठने में हल्का फुल्का दर्द, मतलब ऐसे होता है चलने वलने में, और प्रोस्टेट वोस्टेट भी थोड़ा सा बड़ा हुआ था, तो उसमें ये सब ले सकते हैं ना। जी और सर मुझे एक चीज और पूछनी थी कि इसको कितना लेना है और कैसे लेना है, ये भी बता दीजिएगा। अच्छा, देखिए ये गोंद स्याह आप तक पहुंचा, इसका पाउडर बना ले, और इसकी जो तादाद है एक वक्त में आधा ग्राम है। आधा ग्राम आप समझ सकते होंगे, आप पढ़े लिखे इंसान हैं। आधा ग्राम यानी जो बड़ा वाला चना आता है ना, काबली चना, उतना एक वक्त में लेना है। लेना ऐसे ही है क्योंकि गम है, कड़वा बहुत है, तो मलाई में मिलाकर ले सकते हैं, देसी घी में मिलाकर ले सकते हैं। इस चीज़ में मिला लेना तो आसानी से चला जाएगा, नहीं तो मुंह में चिपक जाता है और कड़वा बहुत होता है। या शहद में मिलाकर ले सकते हैं, किसी भी तरह इतना लेना है। और ग्राइंडर में ये पाउडर बन जाता है, पहले ऐसे हल्का सा तोड़ ले और फिर उसमें डालेंगे तो पाउडर बन जाएगा। थोड़ा मोटा भी रहे तो कोई बात नहीं, मोटा रहेगा तो अच्छा है, थोड़ा सा ज़्यादा बारीक ना करें। और ये 2 बार लें, खाने के बाद लें, और पानी से या कम चर्बी के दूध से लें। और ये आपके जोड़ों के दर्द, नसों के दर्द और दूसरे कहीं भी दर्द, कमर में दर्द, साइटिका, मोढ़े में दर्द, कहीं भी दर्द हो, ये उसको चूस लेता है। और ये 100 ग्राम ही इतना ताकत रखता है ये रॉ मटेरियल के, अपने ख़त्म होने से पहले रोगी को रोग मुक्त करने की ताकत रखता है। भगवान पर भरोसा करें, इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा मुमकिन। जी। पंजाब से हैं लता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार नमस्कार मैम। जी। नमस्कार। नमस्कार वीर स्वागत है लता जी का। जी। नमस्कार वीर जी। हाँ वीर जी, मैं यह पूछना चाहती हूँ कि जो हम नमक जैतून पानी में पाकर लेते हैं, उसके साथ हम इंग्लिश मेडिसिन ले सकते हैं क्या? जी जी और कोई सवाल है आपका? हाँ जी, एक ये पूछती हूँ, जैसे ना मेरे भाई की शुगर के लिए वो दवाई ले रहे हैं, गोंद जामुन ले रहे हैं, वो 3 समय इंग्लिश मेडिसिन लेते हैं, सवेरे दोपहरे और शाम, उनको लेते 4 महीना हो गए। उनकी शुगर ना वो फास्टिंग की बजाय वो शाम की शुगर टेस्ट कराते हैं, जैसे 5 बजे शुगर टेस्ट कराते हैं वो, उनकी शुगर आती है जैसे 130 वगैरह आती है, तो वह गोली छोड़े या कोई इंग्लिश मेडिसिन छोड़ेगा अभी, चली जा लेने दो उनको। जी हाँ, देखिए अगर वो 12 घंटे में कराते हैं और या उससे पहले इतनी आ रही है तो बहुत अच्छी है, और इंग्लिश मेडिसिन कम कर सकते हैं, ज़रूरत अगर हो तो कम कर सकते हैं और ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं, और बहुत अच्छी शुगर आ रही है। देखिए गोंद जामुन बहुत कम लोग जानते हैं, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं सिर्फ उन तक ही ये मैसेज पहुंच सका है, या मेरे से जुड़े हुए लोगों ने जहाँ तक वो मैसेज पहुंचाया है, कि गौन जामुन एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिसके एक चुटकी सुबह और शाम खाने से हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है, जैसे आपके भाई की। तो ये बात पहुँचाइए, क्योंकि हर घर में डायबिटिक मरीज़ है, और ये दुनिया का सबसे तेज तरीन रॉ मटेरियल है जो डायबिटीज़ में काम करता है। जामुन हम खाते हैं, आधा आधा किलो, एक एक किलो खा जाते हैं जब जामुन आती है, और ज़रा सी भी नहीं हिलती शुगर अपनी जगह से, लेकिन मशहूर है कि जामुन खाने से इससे फ़ायदा होता है। मेरा अपना अनुभव यह है कि गौन जामुन दुनिया की सबसे तेज़ तरीन रॉ मटेरियल या मेडिसिन का हो, अगर असली मिल जाए तो वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी दवाएं कम कर सकते हैं, और नमक जैतून ले सकते हैं दूसरी मेडिसिन के साथ,
थोड़ा सा फासला कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ले सकते हैं, किसी भी मेडिसिन के साथ ले सकते हैं। जी, झारखंड से हैं रतन जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार सर। जय भारत अकिंद्रा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। क्या हाल चाल है भाई आपके? ठीक हूँ सर। मेरे दो तीन सवाल थे जी। तो पहला आप नोट कर लीजिए शैलजा जी। जी सर। ये रसौस या रसवंती, इनके काम कलमी सोरा, ये किस किस चीज में फायदा करता है? और सर मैं आपकी शागिर्दी में एक 16 वर्ष की लड़की का चेहरे पर झाई वगैरह हो गया था, मुहासे हुआ, और मैंने उसे गोंद मोरिंगा दिया और नारियल का पानी पीने के लिए कहा, तो मैं 10 दिन में एकदम सफाया हो गया, चेहरा एकदम साफ सुथरा क्लीन। भाई वाह, बहुत मुबारक, और बच्ची को हमारी तरफ से प्यार करें। और सर उस लड़की के एक प्रॉब्लम आया, उसे हल्का हल्का वोमिटिंग का ये टेंडेंसी होता था, तो मैंने उसे कहा कि आप मैंने इसका ये सोनोग्राफी कराइए, तो उसके गॉल ब्लैडर में 16 mg का स्टोन निकला। तो कई एक नुस्खा मैंने लिख रखा है, लेकिन कौन सा सबसे ज्यादा कारगर होगा ये आप मुझे बताइए। और दूसरी बात सर, ये तो और खास है सर, उनके नाना 81 वर्ष के। अच्छा। वो उनका कमर में चोट लगे, कमर घिस गया था, घिसक गया था, घुटने में दर्द, वो चल नहीं पाते थे। मैं बार बार उस गली से अपने रोड से क्रॉस करता था, उन्हें दरवाजे के ऊंचाई पर बैठा हुआ देखता था, महीना दो महीना साल भर देखता, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो, मैं खा रहा हूँ काला गोंद, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो। मैं संपर्क किया उनसे और उन्हें काला गोंद, जैतून का सिरका, हार्ट का भी उनका प्रॉब्लम है, हाँ, जैतून का सिरका, काला गोंद दिया। आज मैं जब अपने छत से उन्हें देखता हूँ रोड पर जाते हुए और सामान लाते हुए, उनका सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि हम सामान लाए, बाजार क्यों नहीं जा पाते। और जब मैं देखता हूँ मुझे कितनी खुशी होती है सर आपके प्रति, तो क्या बोले, क्या श्रद्धा से मैंने सर झुक जाता है। बहुत शुक्रिया। और कोई भी सवाल है आपका? मैं अपने बारे में बताऊंगा सर, फिर इतना बता देता हूँ कि मुझे जो ये दर्द हुआ था तो उस समय मैं 15-16 वर्ष का था सर, आज 66 वर्ष का हूँ, 14-15 वर्ष का हूँगा। मैंने वो डबल बालिश तकिया वगैरह लेके सोने के कारण ये झुनझुनी वगैरह सब हाथों में, पैरों में दर्द, में दर्द। उस वक्त मैं डॉक्टर के पास जाता था तो डॉक्टर अवाक हो करके, ये झुंझुनी क्या होता है, वो अवाक होकर सिर्फ देखते थे मुझे। हाँ सही सर। और मैं कम हो गया हूँ, उसके बाद मैं जॉब ज्वाइन किया, जॉब के बाद बर्धमान गया, बर्धमान मेडिकल मैंने का बहुत बड़ा ये है, वहाँ मैंने नर्स से डॉक्टर से दिखाया, वो मेरा हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे डॉक्टर ठीक है आपका जो ठीक है, अब मैं समझ नहीं रहा, मैं जमालपुर आया ट्रांसफर होके, वहाँ ये सब दिखाया कुछ नहीं, वो फिर 5-7 वर्ष पहले, अब मैं कह नहीं सकता हूँ कि मैंने कितना दर्द सहा है, सोचिए सर 66 वर्ष और 14 वर्ष का था जब मैं सहता, और अब मैं सीढ़ी पर आराम से, सीढ़ी पर, अगर सीढ़ी मेरे घर का सीढ़ी पूरा पश्चिम है तो मैं उत्तर दक्षिण होकर के एक सीढ़ी से दूसरे पर रखता था, फिर उसी दूसरे पैर को फिर उसी सीढ़ी पर रखता था, और तब मैं उतरता था, सोचिए कैसा जिंदगी गुजारा हूं मैं, और अभी मैं फट से चढ़ जाता हूँ और फट से उतर जाता हूँ। लेकिन आपका मैं उसी समय और करूंगा जब मैं खुद अपने तरीके से पालथी मार के जमीन पर बैठना शुरू कर दूंगा सर, तब मैं आपके लिए जो आपको कहना पड़ेगा मैं वो करूंगा आपके सम्मान में। देखिए बहुत सम्माननीय है आप, और देखिए आप रेलवे से रिटायर हैं, आपसे कई बार बात हो चुकी है, और आप जो सेवा कर रहे हैं लोगों की, क्योंकि एक आदमी जो घर पर बैठा रहता था आप उन्हें देखते थे,
आज वो सब्जी लाने लगे, बाजार जाने लगे, किस कदर वो आपको सम्मान करते होंगे और कितनी दुआएं देते होंगे, और जितनी दुआएं आप मुझे देते होंगे उससे भी ज़्यादा, क्योंकि आपने उसको सहा है तकलीफ़ को और आपकी तकलीफ़ मैं महसूस कर सकता हूँ। तो देखिए, जो भगवान इतना कर सकता है कि आप फटाफट चलने लगे, छत पे चढ़ने लगे, नीचे उतरने लगे, जो एक सीढ़ी पर दो बार पैर रख के ऊपर चढ़ता था, पहले इस सीढ़ी पे एक पैर रखा फिर दूसरा रखा, तो वो भगवान आपको पूरा ठीक भी कर सकता, मैं कोई दावा नहीं करता। लेकिन मेरे नुस्खे जात जो बताता हूँ, मैं सिर्फ इस वजह से नहीं बताता कि आप ठीक हो जाए, मैं ऐसे ही लोगों से प्रसन्न रहता हूँ जो नुस्खे जात को आगे बढ़ाते हैं। आपने आगे बढ़ाया, आप मेरे लिए बहुत कीमती हैं, मैं बता नहीं सकता आप कितने कीमती हैं। और मेरा नुस्खा पहुँचाना आप तक, आपका दूसरों तक, अगर ऐसे ही सारे लोग हो जाएं तो ये संसार, भारत, हिंदुस्तान रोग मुक्त हो जाए। बहुत लोग तकलीफ में है, जैसे आपने तो एक आदमी को देखा है, हर घर में एक ऐसा आदमी बैठा है जो चल नहीं सकता है, हर घर में कोई ऐसा रोगी बैठा है जिसे आपकी ज़रूरत है, और आप अपनी बकिया ज़िंदगी सेवा में लगा दी है आपने, आपको भगवान बहुत मोहब्बत करता होगा। और देखिए, जिसको भी आपने दवा दी, आपकी नीयत अच्छी, नीयत के बगैर नहीं होता कुछ भी, भगवान हमारी नीयत समझता है, हमारे खदो खाल से, हमारे चेहरे से, हमारी लंबाई, हमारी खूबसूरती कोई अहमियत नहीं, हमारा जो करेक्टर है बस वो उसको पसंद है, अच्छा है तो वो अच्छा है उसकी नज़र में। हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही लोगों को फ़ायदा पहुँचाते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग अपना फ़ायदा उठाकर फिर दूसरे तक फ़ायदा पहुंचाते हैं। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आपको सलाम करता हूं। जी हकीम साहब, रसवंती और कलमी शोरा का फ़ायदा? अच्छा देखिए, रसवंती को रसौत भी कहते हैं, और रसौत एक कुदरती चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक बनाई हुई चीज़ है। इसका एक पेड़ होता है रसौत का, जिसको पानी में उबाल कर उसका रस निकाल लिया जाता है और वो गम को पिला दिया जाता है, तो वो जमा हुआ होता है, आपने देखा उस पत्ते वत्ते भी चिपके होते हैं, तो उसको रसौत कहते हैं। ये पेट के रोगों के लिए बहुत अच्छी है, और ये कब्ज़ को भी दूर करती है, और ये जॉन्डिस को भी अच्छा करती है, लीवर के लिए बहुत अच्छी है। देखिए, एक दवा इतने असर करती है, इतने फ़ायदे करती है कि हम अगर उसके बारे में बोलने लगे तो पूरा घंटा चला जाए, किसी कॉल नहीं लग पाए। तो हमसे कभी पूछें तो ये पूछें कि इस रोग में फ़ायदा करती है क्या नहीं। इसी तरह कलमी शोरा भी है, कलमी शोरा हमें वर्म दूर करता है, और पेशाब आवर है, बहुत ज़्यादा पेशाब लाता है, और किडनी की सफाई भी करता है, और बहुत सारे काम करता है, अच्छी चीज़ है। इसकी एक चुटकी से दो चुटकी खुराक, इसे ज़्यादा नहीं ले सकते, काफ़ी तेज़ भी होता है। जी हकीम साहब, बच्ची को लेके था कि गॉल ब्लैडर में पथरी। हाँ, अच्छा देखिए, बहुत बड़ी पथरी है, आप कोशिश कर सकते हैं, वादा नहीं करता। 3 चम्मच जैतून का तेल और 3 चम्मच जैतून का सिरका 2 गिलास पानी में डाल के इस बच्ची को पिला दें, सुबह को खाली पेट अगर पी ले, और सिर्फ 3 दिन या 5 दिन ही कोशिश करें, निकलना होगा तो निकल जाएगी, वरना फिर उसको ऑपरेट कराना पड़ सकता है। जी।